बैठो और जुडिशियल कस्टडी में होने के बाद यदि कोई भी जेल प्रशासन उसको बचना नहीं है, आप लिख के दीजिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जाएगा, इसका पोस्टमार्टम यहाँ नहीं होगा, मजिस्ट्रेट इसका पोस्टमार्टम करेगा, मजिस्ट्रेट यहाँ आएगा जज साथ, और यहाँ से ही जाएंगे फिर पीएमसीएच, यहाँ स्थानीय में पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। कितना वैल्यू आप समझते हैं, जानकारी है नहीं आपको सर? ठीक है, जानकारी जेल का सुनिए, जानकारी मिला, सुनिए, जानकारी मिला आपको, आपको राजीव जी दीजिएगा, कार्रवाई होगी। जो भी मुआवजा है, सुनिए, जो भी मुआवजा है, जो भी इनको रिलीफ है, पुलिस से देगी, कोई दूसरा नहीं देगा। तो सर देगी, हम लोग किए हुए हैं, सर मेरा कोई लड़ाई है कुछ भी है, लेकिन ये मारा तो कैसे मारा? अरे कैसे मारा, इसकी जांच होगी जेल में, इसकी जांच होगी। हम लोग इसमें क्या, इनको टीवी है कि क्या है, इस संबंध में पूछिए, जो है जो भी होगा वो हम लोग करेंगे कार्रवाई, ठीक है। अभी आपको जो है ना, अभी आप जब तक पोस्टमार्टम नहीं कराइएगा तब तक इसको मुआवजा वगैरह भी नहीं मिलेगा, समझ गए ना? इसलिए आपको इसको आप समझ लीजिए इस बात को, है ना? इसमें आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आए हैं आप ही के साथ हैं। आप लोग कुछ नहीं करिएगा, ये पता हमको है ना। आप कौन? कैसे, क्या हुआ? काले मुर्गा के करके आए हैं, काले भूल बतिया के करके आए हैं, कैसे हमको कर दिया था, बीमार रहता था, हमको ना कहता, हमको ना कहता कि तबियत ठीक नहीं है। इनके परिवार पुतो लोग गए थे मिलने के लिए जेल में, आई ना कोई बात नहीं, जेल में इनको गए थे मिलने के लिए, कल तक ये आदमी ठीक थे। अगर इनको तबियत खराब था तो प्रशासन या जेल अधिकारी घर को सूचित करते ना कि हाँ इनका तबियत खराब है, या आप सदर हॉस्पिटल में ला के इलाज करवाते। मरने के बाद भी इन लोग नहीं किसी ने बताया है घर पर कि आपका कलेसर चौधरी है जो मर गया है, यहाँ उनका एक भतीजा घूमते रहता है, हॉस्पिटल में रहता है, मेडिकल में, तो आया था, पता किया कि पता नहीं किसका तो एक लाश आया है, तो देखा कि मेरा चाचा का लाश है, फिर भी प्रशासन लाश को नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि घर में भी नहीं बता रहा है कि आदमी मर गया। आपके कौन हुए? ये हमारे गांव के हैं, बगल में बगलगीर है। कौन गांव के हैं? ओरा गांव का है, ये हमारे बगलगीर है। क्या नाम है उनका? इनका कलेसर चौधरी नाम है। मेरा नाम राजीव कुमार, हम ग्रामीण है। किस केस में जेल थे? वो आपसी मैटर था सर, लड़ाई झगड़ा हो गया था, वो अपने में उसका मार में अंदर चले गए थे। कब से जेल में? पूरे फैमिली, आज से 1.5 महीना पहले की बात है सर, आज से 1.5 महीना पहले की बात है, ये अंदर चले गए। इनके पिताजी का नाम? इनका पिताजी का नाम स्वर्गीय मधु चौधरी हुआ, और इनके तीन बेटा है, तीनों बेटा अंदर है। हालांकि लाश जलाने वाला भी इनके घर में कोई नहीं है, कोई आर्थिक नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कल डेटा प्रशासन इनके घर जाके ये कह रहा था कि आप दारू बेचते हैं, क्योंकि घर में कोई आदमी नहीं है, फिर भी दारू कैसे बिक रहा, हालांकि पूरा कोरा में दारू बिकता है, या टेटा प्रशासन को पता नहीं है कि दारू बिकता है, पूरा बिहार में दारू बिकता है। व्यक्तिगत अब जाके एक आदमी से पूछ रहा है कि दारू बिकता है, जो कि पूरे आदमी जेल में है, ये मतलब नहीं हुआ, सोचे समझ के मारा गया सर, और कोई मैटर नहीं है। मांग क्या है? मांग है कि मारा तो कैसे मारा, और इसका मुआवजा दिया जाए, मारा तो कैसे मारा, किसी को बताया भी नहीं, आदमी स्वस्थ था, सब चीज सही था, फिर भी घटना मरा कैसे? डायरेक्टली मृत्यु किसी को होता है तो आशंका तो होगा ना, इनके ऊपर कोई भी नहीं है, सब छोटा छोटा बच्चा है, परिवार है, अब इनके परिवार को क्या होगा, कौन खिलाएगा, कौन रोजी रोटी देगा, क्या प्रशासन देगा या जेल अधिकारी देगा? वो हमें चाहिए, मांग चाहिए, और मांग पूरा करें। क्या नाम? टेटा ओपी का कांड संख्या 335 2021 का एक एक्यूज था, जो 2 महीने आपको जेल में न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में था। वो तबीयत उनकी कल खराब हुई, जेल प्रशासन द्वारा सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी डेथ हो गई है बताया जाता है, और इसी बात को लेकर के उनके परिजनों द्वारा पूरी प्रक्रिया का वो करने के लिए वो
मुआवजा की मांग के लिए वो प्रयास कर रहे थे, जिसमें वो सड़क को बाहर ले आए थे, लेकिन उनको समझाने बुझाने पर वो राजी हो गए और वो आगे की प्रक्रिया के लिए पोस्टमार्टम के लिए पीएमसी शव को भेजा गया। सर, परिजन का आरोप है कि मारपीटा के कारण उसकी मौत हुई है। देखिए, जुडिशियल कस्टडी में थे और जेल प्रशासन से हम लोग यदि इस तरह की कोई आरोप लगता है तो हम लोग इसका कारण परीक्षा करेंगे, और ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है तो माननीय न्यायालय का जो भी जांच होगी या हम लोग को जैसा कोई आदेश होगा तो उसकी जांच हम लोग करेंगे। किस मामले में बंद थे सर, और कितना दिन से थे? ये 2 महीना हो गया, 28-10 को ये 335 कांड संख्या में ये जेल गए थे। मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का FIR था जिसमें ये जेल गए। ऐसे बताया जाता है कि इनको क्रोनिक टीबी थी, जैसा जेल प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है, परंतु आगे इसकी जांच लोग करेंगे कि जेल प्रशासन की यदि कोई चूक है या किसी तरह की बात होती है तो माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार आगे कार्रवाई होगी।